इमरान खान और मरियम नवाज ट्विटर पर आमने सामने। चेयरमैन पीटीआई ने नून लीग की चीफ ऑर्गेनाइजर को बिगड़ी हुई बच्ची करार दे दिया। मरियम नवाज ने कप्तान को साजिशों का बादशाह कह डाला। इमरान खान का कहना था कि पीडीएम और मरियम के अदलिया पर हमले शर्मनाक है। अलमारूफ घड़ी चोर, कान खोल के सुन लो, जो अदलिया में से सहूलत कार तुमने ढूंढे, मरियम नवाज को जो भी चाहे नुकसान हो जाए उनको एक्सपोज करके छोड़ेगी। बेटी का भी यही हाल है, पूरा प्रेशर डाला हुआ है इन्होंने पाकिस्तान की अदलिया पे। सिर्फ एक मकसद है इनका, 90 दिन में इलेक्शन। इमरान खान और मरियम नवाज में ट्विटर पर लफ्जी गोलाबारी। धूबाधू हमलों में तब्दील कप्तान ने मरियम नवाज को बिगड़ी बच्ची करार दे दिया। मरियम नवाज ने इमरान खान को साजिशों का बादशाह कह डाला। इमरान खान ने ट्वीट में लिखा कि पीडीएम और करप्शन के पैसों पर पलने वाली बिगड़ी हुई बच्ची के जजेस पर हमले शर्मनाक हैं। मरियम नवाज के हमलों का वाहिद मकसद इंतखाबात से फरार है, वो चाहे आईन को रोंद कर ही हो। सुप्रीम कोर्ट पर हमला करके विफाक को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। मरियम नवाज का जवाबी वार ट्विटर पैगाम में लिखा कि तुम्हारी चीखें गलत नहीं क्योंकि तुम साजिशों के बादशाह रहे हो, लेकिन अब बड़े बुर्ज उलट चुके, इसी बिगड़ी बच्ची ने तुम्हें हरा दिया। आप अदालतों से इल्तवा की भीख मांग रहे हैं, इल्तवा की भीख मांगना जुर्म होने का वाज़ेह एतराफ है। पलस्तर शुदा टांग आपको मजीद नहीं बचाएगी, उठो और कानून का सामना करो। इम्पोर्टेड हुकूमत और उनकी हवारियों की अदलिया के खिलाफ हर्जा सराई। मरियम नवाज की अदलिया और फाजिल जज साहिबान पर शदीद तनकीद। इस घिनौनी साजिश को बेनकाब करने पर बोल को एक दफा फिर नशरियात की बंदिश का सामना करना पड़ रहा है। बोल अदलिया की इज्जत के लिए खड़ा है और खड़ा रहेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।